जी अस्सलाम वालेकुम। आज से हम वीडियो सीरीज स्टार्ट करेंगे सोर्सिंग फ्रॉम चाइना। इससे पहले हमने देखा था कि आप लोकली अपनी प्रोडक्ट को कैसे सोर्स करते हैं। आप अगर दराज पे बिजनेस कर रहे हैं या आप ऑफलाइन कोई अपनी प्रोडक्ट सेल करना चाह रहे हैं, उसके लिए आपको बल्क में बाइंग करनी है और आप चाह रहे हैं कि आप चीप रेट में चाइना से सोर्सिंग करें, तो इसमें हम देखते हैं कि इसका इंट्रोडक्शन और आप किस तरह से ऑनलाइन सोर्सिंग कर सकते हैं, कौन कौन सी ऐसी वेबसाइट्स हैं और कहाँ से आपको जो है अपनी प्रोडक्ट के लिए सप्लायर मिलेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि सोर्सिंग फ्रॉम चाइना जो है वो है क्या। बेसिकली हम इसको क्यों प्रेफर करते हैं, ये एक कॉस्ट इफेक्टिव अपॉर्चुनिटी है और एक ऐसी अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है जो कि ऑनलाइन या ऑफलाइन आप किसी भी मोड में सेलिंग कर रहे हैं आपको जो है ये फ़ायदा मंद है, क्योंकि आपको जो है इस पर रेट्स बहुत ज़्यादा जो है वो सस्ते मिल जाते हैं और आपकी जो प्रोडक्ट की जो मैनुफैक्चरिंग कॉस्ट है या जो बाइंग है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब आपकी वो मैनुफैक्चरिंग प्राइस या सोर्सिंग प्राइस कम हो जाती है, उसका मतलब है कि आपकी जो प्रॉफिट मार्जिन है वो ज़्यादा हो जाएगा। और इसमें जो है सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि अगर आप चाइना में नहीं रहते, चाइना में ना रहते हुए आप पाकिस्तान से भी जो है अपनी प्रोडक्ट बाहर से मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन भी आप इसको जो है वो सप्लायर और फैक्ट्रीज ढूंढ के आप उनको उनसे जो है अपनी प्रोडक्ट बनवा सकते हैं और वो आप पाकिस्तान में मंगवा सकते हैं। इसके लिए जो मेजर प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, उनमें नंबर वन पे अलीबाबा आप जानते हैं, ये जो है होलसेल की जो है ट्रेडिंग की ये नंबर वन मार्केट प्लेस है। इसके अलावा मेड इन चाइना डॉट कॉम है, DGGate.com है, इसके अलावा और भी वेबसाइट्स हैं। आप इनके ऊपर जाते हैं, अपने प्रोडक्ट सर्च करते हैं और उनके सप्लायर्स ढूंढ के आप उनसे जो है अपनी प्रोडक्ट जो है वो बाय कर लेते हैं, उनसे आप बातचीत करते हैं, नेगोशिएशन करते हैं, उसके बाद आप उनको ऑर्डर प्लेस कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि वाई सोर्सिंग फ्रॉम चाइना, कि हम चाइना से ही क्यों सोर्सिंग करें, हम सिंगापुर से, थाईलैंड से, इधर से क्यों नहीं सोर्सिंग करते। पास्ट में जो है चाइना को वर्ल्ड फैक्ट्री का नाम दिया जाता था, कि जो चाइना की प्रोडक्ट्स हैं वो पूरी दुनिया में इस वक्त सेल हो रही हैं। चाइनीज़ मैन्युफैक्चर जो फैक्ट्रीज वहाँ पे मौजूद हैं उनके एक तो रेट्स भी कम है और उनकी चीज़ भी क्वालिटी की है, जिसकी वजह से है वो चाइना ने जो है इस वक्त पूरे वर्ल्ड में जो है अपनी ट्रेड शुरू की हुई है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसके पास जो है बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज हैं जो कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना रही हैं और बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेज में बना रही हैं। अब हम देखते हैं कि Alibaba.com को हम क्यों प्रेफर करेंगे अपनी सोर्सिंग में। अब हम देखते हैं अलीबाबा जो है वो क्यों हम इसको जो है वो प्रेफर कर रहे हैं। इसको हम इसलिए प्रेफर कर रहे हैं कि ये एक लीडिंग प्लेटफॉर्म है ग्लोबल होलसेल ट्रेड के लिए। यहाँ पे जो है वो पूरी दुनिया से जो है वो सप्लायर्स मौजूद हैं, यहाँ पे सिर्फ चाइना ही नहीं बल्कि पाकिस्तान से भी सेलर्स मौजूद हैं, वियतनाम से, थाईलैंड से, मलेशिया से, इंडिया से, इधर सारे सेलर्स मौजूद हैं जो कि आपको आपकी प्रोडक्ट जो है वो बेस्ट प्राइसेस में जो है वो सोर्स करके दे सकते हैं। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये है कि ये एक मिडल मैन के तौर पे काम करता है बायर और सेलर के बिटवीन। अगर कोई फैक्ट्री है या कोई सप्लायर है और आप उसके जो है वो क्लाइंट हैं, बायर हैं, आप उससे कोई प्रोडक्ट बनवा रहे हैं, तो अलीबाबा जो है वो मिडल मैन का किरदार अदा करेगा और दोनों को आपस में मिलाएगा और इस चीज़ की जो है वो अश्योरेंस भी लेगा कि आपके स्टॉक में कोई मसला ना आए, आपकी जो है वो पेमेंट वगैरह का कोई मसला ना बने, इस चीज़ को भी अलीबाबा जो है वो इंश्योर करता है। और अगर कोई मसला आता है तो अलीबाबा आपकी पेमेंट भी वापस पुशबैक करवा देता है। तो इसलिए हम इसको अलीबाबा को प्रेफर करते हैं ताकि आपकी पेमेंट भी जो है वो सेफ रहे, आपको प्रोडक्ट भी जो है वो अच्छी मिल जाए। अब हम देखते हैं कि हम इसमें जो है हमने किस चीज़ को प्रेफर करना है। सबसे पहले इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपने सप्लायर को ढूंढना है, एजेंट्स को नहीं ढूंढना। आप अलीबाबा की साइट्स पर जाएंगे आपको सप्लायर भी मिलेंगे और एजेंट्स भी मिलेंगे। अब हम देखते हैं कि सप्लायर और एजेंट में वो क्या फ़र्क है जिसकी वजह से हम सप्लायर को प्रेफर करेंगे और एजेंट को प्रेफर नहीं करेंगे। अच्छा, अब हम देखते हैं सप्लायर कौन होता है। सप्लायर बेसिकली एक फैक्ट्री का मालिक होता है या मैन्युफैक्चरर होता है जो कि प्रोडक्ट को खुद बना रहा है। अब जब वो खुद बना रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी प्राइसेस लो हैं एजेंट से। और एजेंट क्या होता है, एजेंट वो होता है जो कि मिडलमैन होता है या कमीशन पर काम कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सप्लायर हूँ किसी भी प्रोडक्ट का, मैं बना रहा हूँ, मैं आगे कोई कमीशन पर सेल्स पर्सन हायर कर लेता हूँ या एजेंट, उसका क्या होता है कि उसको भी मुझे कमीशन देना पड़ता है। जितना भी वो ऑर्डर मेरे पास लेके आता है उसका एक 5% 10% जितना भी मेरे साथ उसका तय है, तो वो मुझे एजेंट को पे करना पड़ता है। इसलिए बेहतर यह है कि आप एजेंट के पास ना जाएं, आप सप्लायर के पास जाएं, क्योंकि आपको जो है सप्लायर के पास बेस्ट प्राइस मिलेगी। इसके बाद क्या है कि आपकी जो रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन है सप्लायर उसको भी जो है वो हैंडल नहीं करता। वो क्या करता है कि आपसे सिर्फ MOQ पूछता है। MOQ का मतलब क्या होता है, मिनिमम ऑर्डर क्वान्टिटी। वो पूछता है आपको कितने यूनिट्स चाहिए, 100, 200, 500, 1000, 5000 कितने चाहिए, वो उसके अगेंस्ट आपको एक प्राइस कोट कर देता है। लेकिन जो एजेंट है वो आपकी हर तरह की क्यूरी का आंसर करता है, आपकी कोई भी कोटेशन किसी भी तरह की होगी वो एजेंट आपको जो है वो उसका रिस्पॉन्ड करेगा।
जो नेक्स्ट टॉपिक है उसमें हम देखेंगे अपने प्रोडक्ट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, उसकी स्पेसिफिकेशंस को आपने कैसे मेंशन करना है और उसकी वैलिडेशन आपने कैसे करनी है जब आप अपनी ऑनलाइन होल सोर्सिंग की तरफ जाएंगे।